2016 से मतलब यहाँ पे चिकनकारी मैंने सीखा है। उसके बाद मैं वहाँ चिकनकारी सीखने के बाद मैं आज कपड़ा बनाती हूँ, उससे मैं अपने आगे की मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब उसी से मतलब पूरा कर रही हूँ। और महीने में वैसे मतलब मुझे मेरे पास खेती होती भी 6-7 बीघे है, तो मतलब करना उड़ना पड़ता है, तो उसके साथ टाइम मुझे कम मिलता है, तब भी मैं मतलब मेहनत करके 3-4 हज़ार तक मतलब महीने में हम कमा सकते हैं। सेंटर 1992 से शुरू हुआ, 93 से काम हो रहा है, 92 में ट्रेनिंग हुई और इसको शुरू करने वाले कैफी साहब थे। पहले तो लखनऊ चिकनकारी से वहाँ सेवा से आता था जो रूना बनर्जी देती थी, फिर इसके बाद 2009 में अनीता डोंगरे आई, उन्होंने काम दिया, लड़कियों ने किया। फिर 2010 से मनीष मल्होत्रा जुड़ गए, जो कि उनका काम अब तक चल रहा है और बहुत अच्छा लड़कियां करती हैं, निःशुल्क सिखाया जाता है उनको और काम ले जाती हैं। साड़ी एक तो बना दी तो उनको 10,000 मिलते हैं, शेरवानी बना दी तो 6,750 मिलते हैं। लड़कियां इस पैसे से इतनी आत्मनिर्भर हैं कि उससे कुछ भी कर सकती हैं, अपना भाई बहन की शादी विवाह और उससे पढ़ाई लिखाई अपना, और चेक से उनकी पेमेंट होती है क्योंकि हाथ में पैसा नहीं दिया जाता चेक में, और उन्हीं का खाता होना चाहिए, न भाई के नाम से, न पति के नाम से, न बाहर किसी के नाम से नहीं। जो लड़की काम करेगी उसका चेक वो होगा, खाता नंबर हमारे पास होता है, उसकी पासबुक की फ़ोटो कापी हम जमा कर लेते हैं, फिर उनको काम देते हैं। और कैफी साहब का ये लड़कियों को मतलब अपने पैर पर खड़ी हों, हमारे गाँव की औरतें, हमारा गाँव बहुत आगे जाए, जो उनकी सोच थी उन्होंने सोचा और शुरू किया, लेकिन अब इसको सपना दीदी बहुत आगे ले जा रही हैं। एक बहुत बड़े मॉडल मेजवा के नाम से हमारा गांव जाना जाता है, जो कि दूर दूर देश विदेश में पहले कोई नहीं जानता था, अब देश विदेश में लोग जानते हैं। हमको भी बहुत गर्व होता है, हम यहाँ की सेंटर इंचार्ज हैं।